हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली लर्निंग चैनल पर। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 3। थ्योरम को हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक डाला हुआ है तो उसको आप पहले देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो। पहले डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ। तो देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ये डिस्कस कर चुके। बट अ प्लेटफॉर्म पर इसका प्रूफ भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए, प्लेटफॉर्म पर इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई। सो स्टूडेंट, स्टेटमेंट देखिएगा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। फिगर भी मैंने बना दी है और प्रूफ करना है एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है और एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है। इसका स्टेटमेंट हम कल समझ चुके थे, आज इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए, तो प्रूफ देखने के लिए हमें थोड़ा सा बस जूम करना है वीडियो को, डेट्स वाई आपको स्टेटमेंट पूरा नहीं दिखेगा। स्टेटमेंट हम पहले ही लगा चुके हैं, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे को एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल दिखाना है और एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल दिखाना है। अब सिंपली आप एक चीज देखेगा, अगर मैं कहूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम के अकॉर्डिंग हमारा एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल, यानी कि यहाँ देखो एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है। क्यों हम आगे लिखे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम की वजह से। किसकी वजह से भाई? कोरेस्पॉन्डिंग एक्सियम की वजह से हमारा एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है। अब ध्यान से देखो, एंगल 6 हमारा एंगल 7 के इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कहेंगे कि एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ से एंगल 3 जब एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है तो एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो गया है। ये चीज तो हमारी प्रूव हो गई। सिमिलरली अब हम प्रूव करेंगे, हमारा एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम है ये भी हमारा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा जो एंगल 8 है वो एंगल 8 एंगल 5 के इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 8 एंगल 5 के इक्वल है, तो एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो गया, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल प्रूव करना था और एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल प्रूव करना था, देखो ऊपर, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। हमने क्या प्रूफ किया है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 5 इक्वल हो गए, 4 7 इक्वल हो गए। ऑलराइट, यानी कि 3 7 इक्वल देन 4 5 इक्वल, थोड़ा अपोजिट बोल दिया था मैंने, ठीक है। तो 3 7 इक्वल हो गए, 4 5 इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो वॉच करिएगा बच्चों। थ्योरम नंबर 2 जो है वो कन्वर्स है फर्स्ट थ्योरम का, तो उसके प्रूफ की इतनी जरूरत नहीं है। तो थ्योरम नंबर 3 देखिएगा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इसका भी प्रूफ देखना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, प्लेटफॉर्म पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कोशिश तो की है आपको स्टेटमेंट और प्रूफ पूरा पूरा दिख जाए, शायद दिख भी रहा है। देखो, स्टेटमेंट कह रहा है फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, और प्रूफ करना है एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर ऑन द सेम साइड में एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री दिखाना है, एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 डिग्री दिखाना है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा एंगल 3 और एंगल 4, अगर हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 करें वो 180 का सम बियर करते हैं लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर ही फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर देख लो ध्यान से, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, एक एंगल ये हो गया एक एंगल ये हो गया तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो 180 डिग्री का सम बराबर हो गया। अब देखो हमारा जो एंगल 3 है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो गया, एंगल 4 एंगल 1 के बराबर है। क्यों? एंगल 4 एंगल 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 1 180 डिग्री। यस, अब यहाँ पर हमारा एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम। अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, उसको देख लो पहले जाकर, तब समझना इसको। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना हो गया? 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था हमको। देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। देखो बेटा, अब प्रूव करना है एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें पता है एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के बराबर है ना। ऊपर देखो वहां पर एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है फिगर में बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना हो गया? 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो ये हमारे पेपर भी कहाँ जाने लग रहा है, ठीक है ना, ये हो गया।
अब हमारा एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, क्यों? बिकॉज दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम के अकॉर्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग एक्सियम के अकॉर्डिंग, है ना, लिख सकते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एक्सियम. तो ये हो जाएगा आपका एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू, एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यही हमें प्रूव करना था. ये सेम है, सिमिलर है, जैसा पहले हमने किया है उसी टाइप से इसको हमें प्रूव करना था. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. फर्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को मैंने लेंथी बताया था बिकॉज आपका इंटरेस्ट बढ़वाना था बस, बट ये छोटा सा टॉपिक है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन. बहुत सिंपल टॉपिक है, छोटा है. देखिए क्या कह रहा है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर. टेक अ स्क्रीनशॉट और अदरवाइज एनसीईआरटी में भी देख सकते हो. 101 क्या कह रहा है हमें, थ्योरम बोल रहा है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर. तो सिंपल सी कॉमन सी बात है कि अगर आपकी एक लाइन ये है, देखो एक लाइन आपकी ये है, सपोज करो ये आपकी लाइन M है, ठीक है, और इस पर एक और लाइन पैरेलल है L लाइन, ठीक है, L लाइन इस पर पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, और इसी लाइन के पैरेलल है एक लाइन N. हम ऐसे बोल रहे हैं कि L लाइन जो है वो पैरेलल है M के, और जो N लाइन है वो भी पैरेलल है M के. इसके लाइन इस ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल. तो सिंपल सी बात है, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी, है ना, होंगी नहीं होंगी. तो L जो है वो N के पैरेलल होगी, ठीक है. अब एक ट्रांसवर्सल इसको कट करके जा रहा है, सपोज करो एक ट्रांसवर्सल जा रहा है इसको कट करके, उसने यहाँ पे एंगल 1 बनाया, यहाँ पे एंगल 2 बनाया, यहाँ पे एंगल 3 बनाया, ठीक है, यहाँ पे एंगल 1 बनाया, यहाँ पे एंगल 2 बनाया, और यहाँ पर एंगल 3 बनाया. उसने बनाया नहीं बनाया, तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग एक्सियम की वजह से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी हो गया, और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एक्सियम की वजह से, ठीक है. तो ये हमारी वो थ्योरम है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर. लाइन जो लाइन एक सेम लाइन पर पैरेलल है वो लाइन आपस में भी पैरेलल होती है. इसके बाद हम लोग एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. कल हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा डीडी लर्निंग के साथ. डीडी लर्निंग आपकी हेल्प के लिए हमेशा आपके साथ है. मे बी आज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं, बने रहिएगा डीडी लर्निंग के साथ. शेयर कीजिए, फैला दीजिए वीडियो को हर एक जगह पर, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा. तब तक के लिए